Grand Limited offered 1 lakh shares. Each share is of rupees 10. How that 10 is being covered? 3 on application, 3 on allotment, and 4 on after allotment. That is first and final call. We received applications of 90,000 under subscription ka case. I need not to worry. Because he just wanted to teach you a topic of preparation of cash book. So over subscription ya pro rata nahi hai. Applications were received for 90,000 shares and allotment was made on 1st May. All the due money on allotment was received. Call was duly made. Lekin ek shareholder jiske paas 1500 share the, usne call money nahi di. Wo dekh lenge call scenario mein kab dalna hai. Wo to 6th entry mein jaake mereko discuss karna hai. Yahan tak meri pehli 5 entry simple hai. ठीक है, सो लेट्स बिगिन. दिस इज माय जर्नल फॉर्मेट. क्योंकि सब्जेक्टिव आना नहीं है इसलिए हम लोग इस पे ज्यादा स्ट्रेस नहीं दे रहे. डेट का कॉलम वैसे चलेगा साथ में. पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, एंड हियर आई गो विद कैश बुक. कैश बुक में भी डेट का कॉलम आप चलाओगे अगर सब्जेक्टिव होता, लेकिन सब्जेक्टिव नहीं आना इस चैप्टर में से. कैश बुक का बैलेंस ही कैन आस्क एट द एंड, राइट. चलिए जी, 90,000 की एप्लीकेशन आई, 3 रुपए के हिसाब से कितना पैसा आ गया? 270. पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिटेड टू, वो कैश बुक में जाएगी. डन. जिस एंट्री में बैंक है पहले से बता चुकी हूँ, वो कैश बुक में जाएगा 2,70,000. अगली एंट्री ड्यू की करवाओ. बोलो जी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड, इट्स नॉट कैपिटल, इट्स एप्लीकेशन, टू शेयर कैपिटल, दैट इज अगेन 2.70 लाख. डन. अगली एंट्री अलॉटमेंट ड्यू की, एंड अलॉटमेंट की अमाउंट भी कितनी है बेटा जी? रुपीज 390 × 3, अगेन 270. सेम एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, बोलो, टू शेयर कैपिटल, अगेन अमाउंट विल रिमेन सेम, एंड ही सेड आई रिसीव्ड द अमाउंट. मेरे को पूरा पैसा अलॉटमेंट का मिल गया. बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट. इज इट क्लियर टू एवरीवन? टू शेयर अलॉटमेंट, अगेन 2,70,000. फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू करें, एंड दैट इज रुपीज 4. 90,000 × 4, 3,60,000 करो ड्यू. शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, टू शेयर कैपिटल 3.60 लाख. अब इसमें उसने बोला एक शेयर होल्डर के पास 1500 शेयर थे, उसने अपनी क्या नहीं दी? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दी. 1500 को मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, 6000 मिलना कितना चाहिए था? 360. 6000 नहीं मिला. हाउ मच आई रिसीव? 3,54,000. एम आई राइट? तो एंट्री क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. सो दैट कम्स टू मी 3,54,000. गेट द टोटल ऑफ दीज 3 आइटम्स एंड यू विल बी हैविंग द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ योर बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक विच वी यूज टू राइट बाय बैलेंस करेंट जितना भी आए. सो दिस ही कैन पुट द सेम स्टेटमेंट, ही कैन आस्क यू कैलकुलेट द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ बैंक कॉलम ऑफ कैश. ठीक है, एमसीक्यू में अगर आता है तो वो ऐसा बोलेगा. उसके बाद इस क्वेश्चन में उसने छोटे छोटे लेजर अकाउंट बनाए हैं. कांट यू प्रिपेयर द लेजर अकाउंट ऑन योर ओन? कैसे? ध्यान से देखना. अगर मैं पहला लेजर अकाउंट बनाऊं शेयर एप्लीकेशन, क्या एंट्री होगी? क्या होगा? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट जब बनाऊंगी तो बाय वाली साइड पे क्या आएगा? बाय बैंक. अगर कैशबुक के 2 वाली साइड पे 2 शेयर एप्लीकेशन है तो उसकी बाय वाली साइड पे बाय बैंक आएगा, और 2 वाली साइड पे 2 शेयर कैपिटल, काउंटर बैलेंस, नो बैलेंसिंग फिगर एट ऑल. क्योंकि जो अकाउंट एक बार एंट्री में डेबिट हो रहा है, दूसरी बार एंट्री में क्रेडिट भी हो रहा है. एम आई राइट? इसी तरह से कौन सा अकाउंट बनाएंगे? शेयर कैपिटल का. और शेयर कैपिटल का अकाउंट में 3 एंट्रीज आएंगी. बोलो कौन कौन सी? 1S शेयर एप्लीकेशन बाय वाली साइड पे, बाय शेयर एप्लीकेशन. सेकेंड इज बाय शेयर अलॉटमेंट. थर्ड इज ऑरली आई कैन टेल यू 9 लाख टोटल आना उसका. हाउ कम? हाउ कम? 270 किस पे? एप्लीकेशन पे. 270 किस पे? 360 किस पे? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 9 लाख ही बनना. 10 रुपए का तो एक शेयर है. इसकी बैलेंसिंग फिगर आएगी बाय बैलेंस कैरी डाउन विच यू विल पिक एंड यू विल राइट इन योर बैलेंस शीट. एम आई राइट? ये काउंटर बैलेंस नहीं होता. चेक करो लेजर अकाउंट, चेक करो अपनी बुक में से शेयर कैपिटल का. बाय बैलेंस कैरी डाउन लिखा है. डन. ऑन द सेम मैनर यू कैन प्रिपेयर शेयर अलॉटमेंट. बोलो, शेयर अलॉटमेंट में 2 वाली साइड पे 2 शेयर कैपिटल, बाय वाली साइड पे बाय बैंक, दोनों साइड्स का टोटल 270. डन.
फर्स्ट कॉल बोलो, टू शेयर कैपिटल बाय बैंक, लेकिन ये अमाउंट कम मिली है, देखो बाय कॉल्स इन एरियर लिखा, यस एंड द फंडा इज क्लियर टू यू, कॉल्स इन एरियर में जाता है ना, जब 6000 नहीं मिला तो दैट इज माय कॉल्स इन एरियर, वेयर डू वी शो इट इन द बैलेंस शीट काक्सी, कॉल्स इन एरियर इज टू बी शोन वेयर इन द बैलेंस शीट, हाँ आप नहीं बोलो, हाँ दोबारा बोलो, नोट पेड अप, अच्छा आप बोलो, योर नेम इज फाइल, बोलो आप, वेयर वी शो इट इन आर बैलेंस शीट लाइबिलिटी, आप बोलो मौलिक, इट इज टू बी डिडक्टेड फ्रॉम सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप कैपिटल, Done. It is to be subtracted. It is to be shown as a deduction. करवाया हुआ है आपको बहुत बार और कितनी बार मैंने क्लास में रिपीट भी किया. This thing you have to keep in mind. All the ledger accounts are clear. Done. उसके बाद 24th is very easy. बस एक नई बात उसने introduce करी है that this time we don't have only equity shares. We have preference shares also. So what? आप एक entry two equity share capital लिख दोगे और साथ में आप two preference share combine entry करेंगे. बैंक अकाउंट डेबिटेड पहले क्या लिखा करते थे, बैंक अकाउंट डेबिटेड पहले क्या लिखा करते थे, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर सॉरी टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन, ठीक है, मतलब हर वर्ड के साथ आपने प्रीफिक्स लगा देना, यहाँ पे क्या होगा, पहली एंट्री बोलो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड, देन प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, दैट यू हैव टू एड ऑन. बहुत कम बार है कि वो टाइप्स ऑफ शेयर्स वाला क्वेश्चन उसने पेपर में कभी डाला हो, बट ही कैन पुट, ठीक है, सो दिस इज फॉर योर ओन प्रैक्टिस. यस, नाउ आई एम पिकिंग द नेक्स्ट टॉपिक विच ऑल्दो बीइंग डिस्कस्ड इन द क्लास, वन वर्ड इज कॉल्स इन एरिया एंड अदर वर्ड इज कॉल्स इन एडवांस, हु विल डिफाइन दीज टू टर्म्स, यस व्हाट डू यू मीन बाय कॉल्स इन एरिया and what do you mean by calls in advance, who will define, raise your hand, yes, one word is calls in arrears and another word is calls in advance, it means those calls which have been called by the company but not yet paid by the shareholders, line is clear, ये वो पैसा है जो कंपनी मंगवा चुकी है लेकिन शेयर होल्डर्स ने नहीं पे किया, फॉर एग्जाम्पल कंपनी हैज डिमांडेड द मनी ऑन अलॉटमेंट ऑन रुपीस ऑन 1 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीस 3 ईच, 1 लाख शेयर्स के ऊपर कंपनी ने 3 रुपए के हिसाब से अलॉटमेंट मनी मंगवा ली है, बट ऑन 1000 शेयर्स द शेयर होल्डर्स हैव नॉट पेड इट येट, सो 3000 into 3 विल बी योर कॉल्स इन एरिया, डन, हाउ वी विल शो इट इन द बैलेंस शीट, it is always to be shown as a deduction from subscribed and not fully paid up capital on the equity and liability part, bolna hai ab ki baar plus 2 class mein it's not side, sole proprietor ki balance sheet mein left hand side hua karti thi, right hand side hua karti thi, lekin meri plus 2 class mein balance sheet banti hi vertical format mein hai, pehla part kaun sa hai, equity and liability, jaise equity and liability ka part khatam hoga second part kaun sa hai, asset ka, ठीक है, सो इट इज टू बी शोन इन द इक्विटी एंड लाइबिलिटी पार्ट ऑफ द बैलेंस शीट एज अ डिडक्शन फ्रॉम सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप कैपिटल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉल्स इन एडवांस, दिस इज द अमाउंट व्हिच हैज बीन रिसीव्ड बट नॉट येट कॉल्ड बाय द कंपनी, ये वो पैसा है जो कंपनी ने अभी मंगवाया नहीं है लेकिन शेयर होल्डर्स ने उससे पहले ही पे कर दिया, फॉर एग्जाम्पल विद अलॉटमेंट 1000 शेयर होल्डर्स इवन पेड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, अलॉटमेंट के साथ मेरे 1000 शेयर होल्डर्स ने, मैं एग्जांपल फ्रेम करती हूँ, 1 लाख शेयर्स हैं, 3, 3 और 4 है, 10 रुपए का एक शेयर है, अलॉटमेंट 3 लाख मिलनी चाहिए थी, 1000 शेयर होल्डर्स ने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी दे दी 4 रुपए के हिसाब से, अलॉटमेंट के टाइम पे कितना मिलेगा, 3,04,000, ठीक है, एंट्री में मैं कैसे शो करूंगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड, वैसे तो लिखना था 2 शेयर अलॉटमेंट, ठीक है, मैं साथ में 2 कॉल्स इन एडवांस भी लिखूंगी, Is it fine with everyone? Allotment में 3 लाख, calls in advance में 4,000 और overall bank में कितना जाएगा, 3,04,000. ठीक है जी? How we will show it in the balance sheet?
अगर कॉज इन एडवांस अकाउंट आपने ओपन किया है तो दिस इज टू बी शोन इज इट आर लाइबिलिटी और एसेट? लाइबिलिटी है, टाइम से पहले हमें पैसा मिल गया है, ठीक है। चाहो तो अगर फाइनल कॉल कंपनी मंगवा लेती है तो उसके अगेंस्ट एडजस्ट हो जाएगा, बैलेंसिंग फिगर नहीं रहेगी। अगर कंपनी ने अभी तक फाइनल कॉल मंगवाई नहीं और बैलेंस शीट बन गई, उस केस में इट इज टू बी शोन अंडर द हेड करंट लाइबिलिटीज और आगे सब हेड होता है अदर करंट लाइबिलिटी। मैं बार बार रिपीट कर रही हूं, दिस वी विल डू इन आर थर्ड बुक, फर्स्ट चैप्टर, जब बैलेंस शीट के सारे कंटेंट्स एंड सब कंटेंट्स करेंगे। फिलहाल आपको ये याद रखनी है इसकी नेचर, इट इज आर करंट लाइबिलिटी, बिकॉज एज एंड व्हेन योर फर्स्ट कॉल विल बिकम ड्यू यू विल एडजस्ट इट। जैसे फर्स्ट कॉल ड्यू होगी और आप रिसीव करेंगे, इसे एडजस्ट कर लेंगे। अब ध्यान से देखना, फर्स्ट कॉल कितने से ड्यू होगी बोलो? फर्स्ट कॉल मान लो ड्यू हो रही है, एंट्री क्या होगी? शेयर, मेरे वाली एग्जाम्पल में शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, मैं करूंगी 4 लाख से ड्यू। रिसीव कितना करूंगी? 4 लाख में से 4000 पहले मिल चुका है, अब की बार कितना मिलेगा? 3,96,000। एंट्री करवाना जरा। बैंक अकाउंट डेबिटेड, मैं कॉल्स इन एडवांस को एडजस्ट करूंगी, जो पहले क्रेडिट कर चुके हैं वो यहाँ पे एडजस्ट होगा, मिलेगा कितना? 3,96,000 ऑलरेडी मिल चुका है, दैट आई विल एडजस्ट। अर्लियर वी क्रेडिटेड इट, नाउ वी विल बी डेबिटिंग इट टू व्हाट? शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, दैट विल बी 4। डन? एनी डाउट टू एनीवन? So this thing he can ask in the question, with what amount calls in arrear is to be debited or credited, with what amount calls in advance is to be debited and credited in the journal entry. 25th question now. Pe aa jao fatafat. Types of capital he is asking. Aur paper mein question aaya hua hai 2012 mein. आपको पता है सीबीएसई का पेपर कैसे आता है? डिफरेंट रीजंस का अलग अलग आता है। राजस्थान स्टेट का अलग है, एक ओवरऑल इंडिया का होता है, ठीक है, और एक डेली रीजन का अलग से होता है। सो दिस इज फ्रॉम डेली रीजन, और सी का मतलब कंपार्टमेंट का है, और मॉडिफाइड का मतलब है थोड़ा सा ऑथर ने अपने अकॉर्डिंग स्टेटमेंट चेंज कर लिया, लेकिन पैटर्न इज सेम। रीड इट एवरीवन, आई नीड आंसर्स फ्रॉम योर साइड, यू विल टेल मी ऑथराइज्ड कैपिटल, बोलो। बिल्कुल ठीक है, रुपीस में ऑलरेडी गिवन है, इसे दोबारा से मल्टीप्लाई मत करने बैठना पर शेयर से, इट इज ऑलरेडी इन रुपीस, सो ऑथराइज कैपिटल डन। आगे चलते हैं, इट ऑफर्ड 90% फॉर सब्सक्रिप्शन, बोलो, 9 लाख, दैट इज इश्यूड कैपिटल, इसी का 90%। आगे चलते हैं, 40%, 10 रुपए का एक शेयर है ना, जरा इंस्टॉलमेंट बनवाना। 40% मीन 10 का 40, 4 रुपए ऑन एप्लीकेशन, डन ना, ये समझ लग गया? 10 रुपए का 40% 4 रुपए होगा, 25% 2.5 रुपए, 10 का 25% यही होगा 2 रुपए 50 पैसा, एंड बैलेंस 6.5 यहाँ हो गया 3.5, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। एनी डाउट अबाउट इंस्टॉलमेंट्स? ठीक है जी, आगे चलते हैं। एप्लीकेंट पेड 3,60,000 ऑन, तो ठीक है 360 ही बनना था, क्यों 360 बनना था भाई? क्योंकि आपने इश्यूड ही कितनी करी है, 90,000 करे होंगे तभी 9 लाख बना, ठीक है, और इट मींस कि फुली सब्सक्राइब्ड है, 90,000 ही आपने इश्यूड करे, और ही इज टेलिंग यू एप्लीकेशन मनी मेरे को कितनी मिली है, 360, इट मींस कि 90,000 की ही एप्लीकेशंस आई, देयर इज नो केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन, देयर इज नो केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, जितना आपने एप्लीकेशन मंगवाई उतनी ही एप्लीकेशंस आई, फॉर द फर्स्ट टाइम इट इज इन पैरिटी, जितना मैंने बोला है आपको समझ आया? व्हाट आई टोल्ड यू? चलो बोलो अंकित, क्या बोला मैंने? अंकित विल स्पीक, यस अभिषेक यू टेल व्हाई ही इज गिविंग दिस 360, हाउ आई अराइव्ड एट दिस 90,000, व्हाट इट मींस दिस 360 ही इज गिविंग, इसकी हेल्प से मैंने 90,000 निकाला। हाँ कैसे? हाँ हाँ, या मैंने क्या किया, 360 को 4 से डिवाइड किया, नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लिए, ठीक है, मींस दैट इज सब्सक्राइब्ड, डन। अब हमसे पूछा क्या है, अलॉटमेंट में कहता मेरे को 169 मिला, अब मेरे को बताओगे अलॉटमेंट में कितना मिलना चाहिए था? 90,000 इंटू 2, पहले आएगा 180 में हाफ और ऐड करेंगे 225 मिलना चाहिए, एम आई राइट?
अलॉटमेंट पे 225 मिलना चाहिए था, मिला कितना है 169. दोनों का डिफरेंस मेरे हिसाब से कॉल्स इन एरियर होना चाहिए, ठीक है ना. दिस इज माई ड्यू अमाउंट, दिस आई रिसीव. अब हम लोगों से पूछा क्या क्या है. सब्सक्राइब कैपिटल, बोलो सब्सक्राइब कैपिटल कितनी होगी, क्योंकि मैंने सब्सक्राइब शेयर्स निकाल दिया आपको, उसे 10 से मल्टीप्लाई, फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना होता है. सो सब्सक्राइब कैपिटल इज 9 लाख. आगे चलते हैं. कॉल्ड अप कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल पढ़ो लास्ट लाइन. फाइनल कॉल हैड नॉट बीन मेड येट, मतलब 3.5 रुपए नहीं मंगवाए कंपनी ने अभी तक, मंगवाया ही कितना है 6.5 रुपए. कितने शेयर्स के ऊपर? 90,000 शेयर्स के ऊपर 6.5 रुपए मंगवाए. मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा 6 से मल्टीप्लाई किया 9, 6 का 54 लाख बनेगा ना, सॉरी 5,40,000 बनेगा. 6 से मल्टीप्लाई करके 5,40,000 बनेगा, और 50.5 से मल्टीप्लाई करना है 45,000. तो देखो चेक करो, 5,85,000 आ रहा है ना. डन है कॉल्ड अप कैपिटल. जो अभी तक कॉल नहीं मंगवाई उसे छोड़ दीजिए, कंपनी ने मंगवाई ही. 2 इंस्टॉलमेंट है, वन इज एप्लीकेशन एंड अदर इज अलॉटमेंट. सो आई एम मल्टीप्लाइंग 90,000 विद दिस रुपीज 6.5, 6 रुपीज एंड 50 पैसा. एनी डाउट? दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन ही कैन आस्क इन द पेपर, इट्स ऑल कैलकुलेशन. आगे चलो. पेड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल एप्लीकेशन के ऊपर सारा मिला. कितना मिला? 360. अलॉटमेंट का उसने खुद दिया हुआ था, इतना मिला. दोनों को ऐड कर दो ना, बोलो. अलॉटमेंट का खुद दिया हुआ है ना, ठीक. दोनों को ऐड करके कितना बनेगा? 5,29,000. डन. एनी डाउट टू एनीवन? इसके ऊपर तो जा रहा ही नहीं, क्योंकि ये तो अभी मंगवाई नहीं, ये मंगवाई नहीं तो लोग पे क्यों करेंगे. हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेशन बना सकता था कि अलॉटमेंट तक मंगवा लिया और साथ में कॉल्स इन एडवांस है, ठीक है. वो कह देता कि किसी ने मेरे को टाइम से पहले पेमेंट कर दिया, दो द कंपनी हैज नॉट डिमांडेड इट बट फ्यू शेयर होल्डर्स दे पेड इट इन एडवांस. थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन और डाल सकता था, बट ही डिडंट पुट. राइट, आगे चलो. पेड अप तक डन. कॉल्स इन एरियर पहले सिखाया हुआ है. कॉल्स इन एरियर कितना? कॉल्स इन एरियर कितना? इन दोनों को माइनस करना है, यही है कॉल्स इन एरियर, ठीक है. कितना आता माइनस करके? मैच कर रहा है हमारा, करेगा. 225 अलॉटमेंट का मिलना चाहिए था, 169,000, दिस इज 6, ठीक है. 21 और 5, 56 है. यस, डन. ये तो पहले ही हम लोगों ने कर लिया था. दिस इज माय ड्यू अमाउंट एंड दिस इज माय रिसीव्ड अमाउंट. दोनों का डिफरेंस ही तो कॉल्स इन एरियर आना था. ओवरऑल इट वाज इजी, बट विद द हेल्प ऑफ दिस 6 टाइप्स ऑफ कैपिटल्स आई लर्न, ठीक है. 5 टाइप्स ऑफ कैपिटल एंड 6th वन इज कॉल्स इन एरियर. हाउ दैट इज टू बी कंप्यूटेड? 5 टाइप्स ऑफ कैपिटल सिंस बिगिनिंग वी आर डूइंग. बोलो कौन कौन सी? ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल. And subscribed capital is further of two types. One is subscribed and fully paid up, and second is what? Subscribed and not fully paid up. Who will tell me? Is it a case of present case? Is of fully paid up, subscribed and fully paid up, or subscribed not fully paid up? Why? Because company itself has not called the whole amount. Yes, good. Company ने खुद ही पूरा पैसा नहीं मंगवाया और उसके बावजूद भी default हुआ है. Default is from the part of shareholders. जब कंपनी खुद पैसा नहीं पूरा मंगवाती तो भी उसे क्या मानते हैं? सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड. कंपनी ने अभी तक फाइनल कॉल नहीं मंगवाई, सो होल ऑफ द केसेस सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड. एनी डाउट टू एनीवन? लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट टॉपिक. कैशबुक वाला खुद करेंगे. मैं कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस इकट्ठा वाला क्वेश्चन करना चाहती हूँ. 30th क्वेश्चन, 29th देखो इलस्ट्रेशन और 30th देखो. 29th देखो पहले. व्हाटएवर आई एम स्किपिंग दैट इज फॉर योर ओन प्रैक्टिस, एंड वी हैव लॉट ऑफ क्वेश्चन एट द बैक एक्सरसाइज ऑल्सो, ठीक. एक टॉपिक और करवाने के बाद आई विल बी रेफरिंग द बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन ऑल्सो बिफोर 4 फीचर, ठीक. 4 फीचर से पहले पहले बैक एक्सरसाइज देखेंगे. एक टॉपिक और रह गया, देन वी विल पिक द 4 फीचर एंड द बैक एक्सरसाइज. 29th, बानी लिमिटेड इशूड शेयर्स 10 रुपए का एक,
इश्यूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, प्रोराटा अप्लाई होगा. केसेस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, ठीक है. 13,000 की एप्लीकेशन आई, डायरेक्टर्स ने क्या सोचा, एंड द डायरेक्टर्स, पढ़ो लाइन मेरे साथ, एंड द डायरेक्टर्स मेड अलॉटमेंट इन फुल टू द एप्लीकेंट्स डिमांडिंग 5 or मोर शेयर्स एंड रिफंडेड द अमाउंट टू द एप्लीकेंट्स फॉर 3,000 शेयर्स. मीन्स 3,000 वालों को कुछ नहीं मिला, बाकी क्या रह गया, बाकी क्या रह गया, 10,000 वालों को 10,000. फिर से आसान है क्योंकि प्रोराटा लगा ही नहीं, एक्सेस की तो नौबत ही नहीं आनी. क्वेश्चन आसान है फिर से हमारे लिए, ठीक है. आगे पढ़ो. एक शेयर होल्डर है जिसके पास 200 शेयर हैं, इसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दी, दिस इज माय क्रॉस, मींस नहीं मिला दोस्त, ओके एडवांस में दी. ही हैज पेड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल विद अलॉटमेंट, मींस कॉल्स इन एडवांस है. कितनी कॉल्स इन एडवांस होगी, 800. मींस जब आप अलॉटमेंट की रिसीव्ड अमाउंट निकालेंगे तो 800 ऐड करके लिखेंगे बैंक में, और कॉल्स इन एडवांस को साथ में एंट्री में क्रेडिट करेंगे. इज इट फाइन विद एवरीवन? आगे चलते हैं. अनदर शेयर होल्डर डिडंट पे अलॉटमेंट मनी ऑन हिज 300 शेयर्स. यस, फिर से एक कॉम्प्लिकेशन है. एक शेयर होल्डर है जिसने अलॉटमेंट मनी नहीं पे करी, क्रॉस मतलब नहीं पे किया, 3 रुपए के हिसाब से इसने 900 रुपया अलॉटमेंट के टाइम पे नहीं पे किया. इट मींस कि जब आप अलॉटमेंट की एंट्री में बैंक डेबिट करेंगे, 900 माइनस करेंगे, 800 ऐड करेंगे. ये जो 900 है ये कॉल्स इन एरियर है, ये क्या है, कॉल्स इन एडवांस है. इज इट फाइन? फिर वो कहता है ये जो 900 है उसने अलॉटमेंट के टाइम पे तो नहीं पे किया, हमने उसे थोड़ा सा टाइम दे दिया. दिस अमाउंट ही पेड एट द टाइम ऑफ फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल के टाइम पे उसने पे कर दिया. तो बैंक की एंट्री जब फर्स्ट कॉल की करेंगे तो उसमें 900 ऐड कर देंगे, अलॉटमेंट में से माइनस करना है, फर्स्ट कॉल की एंट्री में से क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे. ईच एंड एवरी पॉइंट इज क्लियर टू यू? मैंने अब बुक नहीं देखनी, मैंने एंट्रीज करनी शुरू करनी है, बिकॉज एवरीथिंग आई रोट ऑन द बोर्ड फॉर योर कन्वीनियंस, राइट. कंपनी मेंटेन्स कॉल्स इन एरियर अकाउंट, अगर कॉल्स इन एरियर रहे तो साथ में लिखना चाहिए था कॉल्स इन एडवांस भी मेंटेन कर रहा. जर्नलाइज द ट्रांजेक्शन इंक्लूडिंग कैश ट्रांजेक्शन, व्हाट दिस लाइन सिग्निफाइज? जर्नलाइज द ट्रांजेक्शंस इन द बुक्स ऑफ बानी लिमिटेड इंक्लूडिंग कैश ट्रांजेक्शन, व्हाट इट मींस? मींस कैश बुक मत बनाने बैठना, सारी की सारी एंट्रीज करनी, ठीक है. अगर कैश बुक बनाते हैं तो वो एंट्रीज कैश बुक में पोस्ट हो जाती है ना, सिर्फ ड्यू की करते हैं. एंड फॉर योर कन्वीनियंस अगेन आई एम टेलिंग यू, 6 एंट्रीज आई विल पास बिकॉज देयर आर 3 इंस्टॉलमेंट्स. इज इट क्लियर? चलो जी, पहली एंट्री करवानी शुरू करो. यहाँ पे मैं दो दो एंट्रीज लिखूंगी, इरेज करूंगी, फिर अगली दो करूंगी क्योंकि मेरे को ये सारा डाटा चाहिए. डन. एप्लीकेशन आई 13,000 शेयर्स की, 3 रुपए के हिसाब से 39,000 मिल गया, पहली एंट्री करवाओ. बैंक अकाउंट डेबिट 2 शेयर एप्लीकेशन और इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 39,000. 3,000 शेयर होल्डर्स को आपने कुछ नहीं दिया, 3,000 इंटू 3 9,000 का रिफंड कर देंगे और बाकियों को जितना अप्लाई किया था उतना मिल गया, ठीक है जी. करें अगली एंट्री, बोलो करवाओ. शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड 2 शेयर कैपिटल टू बैंक, बिल्कुल ठीक, और बैंक में पहले से डिसाइड कर लिया है 9,000 की वापसी करनी है. ये 30,000 है, ये 39,000 है, पहली दो एंट्रीज बुक में से चेक करो, यही करी. इज देयर एनी डाउट? अलॉटमेंट ड्यू करें? चलिए जी, करवाइए अलॉटमेंट ड्यू. शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड 2 शेयर कैपिटल एंड दैट इज अगेन ₹3, लेकिन दिस टाइम आई विल नॉट मल्टीप्लाई विद 13, आई विल मल्टीप्लाई विद द अलॉटेड शेयर्स एंड दैट आर 10,000. एम आई राइट? 10 × 3 = 30,000. चलिए जी, करते हैं. शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड 2 शेयर कैपिटल 30,000. अब मेरे को प्लस और माइनस करवाना, 900 माइनस क्योंकि नहीं मिला अलॉटमेंट का, 800 टाइम से पहले मिल गया, ये ऐड होगा. 30,000 में 900 क्या हो रहा है माइनस, 800 क्या हो रहा है ऐड, ओवरऑल 100 ही माइनस हुआ. इट मींस कि कितना मिला, 29,900. कॉल्स इन एरियर एंट्री में डेबिट करूंगी, कॉल्स इन एडवांस एंट्री में क्रेडिट करूंगी. हाउ इट इज टू बी बैलेंस, लेट्स सी. बैंक अकाउंट डेबिटेड ये बता चुकी हूं 29,900. कॉल्स इन एरियर इज टू बी डेबिटेड, ये लिखा 900. 2 शेयर
अलॉटमेंट वो 30 से ही रहना भाई, वो जितने से डेबिट होता है उतने से ही क्रेडिट होता है, ठीक है। अगर कॉल्स इन एरियर आप ओपन कर रहे हो 30, टू कॉल्स इन एडवांस, बोलो देखो मैच होता होगा, 29,900 में 900 ऐड किया, 30,800 नीचे भी तो 30,800 ही है, डन। एनी डाउट टू एनीवन? अलॉटमेंट की ड्यू की भी हो गई, रिसीव की भी हो गई, चले आगे। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू करवाओ, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू करवाओ, 10,000 × 4, 10,000 × 4, डन, 40,000। शेयर, बोलो शेयर, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल 40,000। 40 में से 800 पहले मिल चुका है, इट मींस कि अब की बार मिलेगा 39,200 प्लस अलॉटमेंट का जो नहीं मिला था वो भी अब मिलेगा, इट मींस कि अब की बार मेरे को 40,100 मिलना, एम राइट? ठीक है जी, आप इस एंट्री को कैसे करना है जरा करवाओ। बैंक अकाउंट डेबिटेड मिला 40,100, जो कॉल्स इन एडवांस उस टाइम पे क्रेडिट किया था वो अब की बार डेबिट करूंगी, कॉल्स इन एडवांस इज टू बी डेबिटेड। अब एडजस्ट करेंगे, कितना था वो 800, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, टू कॉल्स इन एरियर भी तो होगा, वो भी तो एडजस्ट करना है, वो तब डेबिट किया था अब क्रेडिट करना है। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल विल बी ऑफ 40 एंड दिस विल बी ऑफ 900, मैच करो 40,900 40,900। एनी डाउट? Will you show now calls in arrear in your balance sheet? Will you show calls in advance in your balance sheet? No way. Because once it is being debited, another time it is being credited. ठीक है, अगर calls in arrear पहले debit हुआ तो इस entry में credit हो गया, balancing figure बची नहीं, balance sheet में तो balancing figures आती हैं भाई, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी adjustment हो गई, इसलिए balance sheet में दोनों में से कुछ भी नहीं आएगा। Balance sheet में दोनों चीजें आती अगर ये वाली entry ना हो, मींस कंपनी अभी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ना मंगवाती, फिर एडजस्टमेंट के चांसेस ही नहीं थे, ठीक है। सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन ही कैन आस्क, विल यू शो इट इन योर बैलेंस शीट, एंड ही विल बी पुटिंग द सेम क्वेश्चन, विल यू शो एनी अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एरियर इन योर बैलेंस शीट, इन दिस केस योर आंसर विल बी नो, नथिंग इज टू बी शोन बिकॉज इट हैज बीन काउंटर बैलेंस। ये पहली एंट्री में डेबिट हुआ, अगली एंट्री में क्या हो गया क्रेडिट, अगर पहली एंट्री में क्रेडिट हुआ अगली एंट्री में क्या हो गया डेबिट हो गया, इन केस ऑफ कॉल्स इन एडवांस, and in case of causing area it was earlier being debited and now it is being credited, any doubt? So this was a new case for you. 30th is again same, 30th pe usne puchi last wali entry hai, dekho ek hi entry kari na, last wali jo is question ki last entry thi usne puchi wahi hai final call wali, so this also you can see yourself, dono mein difference padho, pehla difference padho and you will tell me, one of you will tell me the first difference between calls in arrear and calls in advance. Yes, read the difference between calls in arrear and calls in advance, everyone. Chalo bolo, Lakshit hai na aapka naam? Haan bolo, bilkul theek hai. Which is being called by the company and has not been yet paid by the shareholders, done. And what is calls in advance? बिल्कुल ठीक है, विच हैज नॉट येट बीन ड्यू बट बीइंग रिसीव्ड और बीइंग पेड बाय द शेयर होल्डर, दूसरी लैंग्वेज में ये भी बोल सकते हैं जो अभी ड्यू नहीं हुई लेकिन टाइम से पहले मिल गई है, सो दिस इज द मीनिंग। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट वाला टॉपिक ना हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन आप सुनना एक बात, एक चीज जो टाइम से पहले मिल गई है तो कंपनी सेक्ट में एक रूल बना रखा है, जो चीज कंपनी को टाइम से पहले मिल गई है उसके ऊपर कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को इंटरेस्ट देगी, जो चीज कंपनी को अभी नहीं मिली उसके ऊपर कंपनी अपने शेयर होल्डर से इंटरेस्ट चार्ज करेगी बिकॉज दे आर मेकिंग द डिले पेमेंट। जैसे इस केस में हुआ था, अलॉटमेंट का पैसा अलॉटमेंट के टाइम पे नहीं दिया, फर्स्ट कॉल के टाइम पे दे दिया, फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ गैप ऑफ 2 months, इट मींस कि ये वाला शेयर होल्डर 2 महीने डिले कर रहा है, हाँ उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। इट मींस कि ऑन कॉल्स इन एरियर इंटरेस्ट इज बीइंग चार्ज्ड एंड ऑन कॉल्स इन एडवांस इंटरेस्ट इज बीइंग प्रोवाइडेड या बीइंग गिवन, ठीक है। अब परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट की बात भी यहां पे कर लेते हैं, कंपनी देती ज्यादा है लेती कम है, बोलो अब कॉल्स इन एडवांस के ऊपर कंपनी 12% देगी, कॉल्स इन एरियर के ऊपर 10% पर एन,
though the calculation of interest is not the part of our syllabus, but for difference point of view, you should remember it. क्योंकि हमारी बुक में डिफरेंस के पॉइंट्स में उसने 10% और 12% की रेफरेंस दी है. थर्ड डिफरेंस पढ़ो. ऑन विच वी गिव इंटरेस्ट, ऑन विच टाइप ऑफ कॉज इन एडवांस, ऑन विच वी चार्ज इट, हाउ मच कंपनी गिव, ज्यादा 12, हाउ मच कंपनी चार्ज. आसानी से याद हो गया, ठीक है. चलो जी आगे चलते हैं. Authority under AOA, that is Articles of Association. Articles of Association does not have any clause to this effect as non-payment is beyond the company's control. कहता cause and effect के बारे में Articles of Association में पहले कुछ भी नहीं लिखा होता क्योंकि हमें नहीं पता कितने लोग हमारा पैसा मारने वाले हैं और कितनों के delay payment आने वाली. So about cause and effect we can't write anything beforehand in our Articles of Association. But a company may accept cause in advance only if the articles of association authorizes to do so. Articles of association mein agar cause in advance ko receive karne ke bare mein directors ne pehle se decide kiya hai, then only you can get cause in advance. Kyun? Kyunki iske upar company ko kharcha karna padna bhai. Kharcha bhi kitna hai? 12% per annum ke hisab se interest dena padna hai. It means ki pehle se decide karna chahiye na. Is it clear to you? So about cause in advance, the things are already being decided, then only the company can accept cause in advance from its shareholders. Otherwise, shareholders are ready to pay in advance, but you may deny it. You as a company may deny it because your articles of association does not authorize you to do it. Getting it? Will there be any clause or provision related to cause in arrear in your AOA? Will there be any provision related to cause in arrear in your AOA? Why? Because it is uncontrollable factor. हमें नहीं पता कितना cause in arrear होने वाला है. But about cause in advance, so you can decide beforehand. Should we accept it or not? About this, it should be mentioned in your AOA. Done? Cause in arrear के बारे में AOA में कुछ नहीं होता, इसके बारे में होता है. Disclosure and balance sheet already discussed. बोलो, cause in arrear कहाँ पे दिखाना? Is to be shown as a deduction or subtraction from subscribed but not fully paid. And where do we show cause in advance? Current liabilities under the head. Other current liabilities is the subhead and the main head is current liability. ठीक है, तो जो मैं बता चुकी हूँ वही उसने लिखा है. Any doubt about the 5 points of distinction? Any doubt? एक बात अगले टॉपिक के बारे में थोड़ी सी सुन के रखते हैं, अगले पीरियड में स्टार्ट करेंगे. Okay, we will do it in the next period.